बनाएंगे गत्ते के बेकार डब्बे से सुंदर सा वॉल हैंगिंग। इस वॉल हैंगिंग को आप अपने किचन में, अपने लिविंग रूम में या अपने बच्चों के रूम में अच्छे अच्छे थॉट्स लिखकर हैंग कर सकते हैं। साथ ही इसी तरह से अपने घर के लिए आप नेम प्लेट बनाकर इसे अपने घर के एंट्रेंस पे हैंग कर सकते हैं। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने ये एक गत्ते का बेकार डब्बा मेरे पास है, इसमें से मैंने इस तरह से ये गत्ते के पीसेस निकाल लिए हैं। अब हम इन पीसेस में से 2.5 इंच पे एक मार्क करेंगे ऐसे, और यहाँ पे 12 इंचेस पे एक निशान लगाएंगे। हाँ, ये 12 इंच है और ये 2.5 इंच। अब हम इसे इस तरह से कर देंगे और यहाँ पे एक एरो बना लेंगे इस तरह से। इस तरह से बना लिया। अब हम इसे कट कर लेंगे। देखिए मैंने पीस ये कट कर लिया है। ये इसकी यहाँ से ये चौड़ाई इसकी 2.5 इंच है और ये 12 इंच है। तो इस तरह के हम 12 पीसेस निकाल लेंगे गत्ते के बेकार डब्बे से। देखिए मैंने 12 पीसेस काट लिए हैं इसमें से। अब हम इसे यहाँ पे एक पेपर बिछा लेंगे। अब हम फेविकॉल लेंगे, फिर पूरे में इस तरह फेविकॉल लगाएंगे। मैंने इसमें फेविकॉल लगा लिया। अभी डोरी को दो सिरे ऐसे पकड़ के इस तरह से ये बराबर कर लिया हमने और इसे इस पर चिपका देंगे। और इस गत्ते को इस तरह लगा देंगे इसमें और इसे इस तरह दबा देंगे। ये हमारे दो पीस एक साथ जुड़ गए हैं, ये देखिए इस तरह से। अब फिर एक पीस और लेंगे, इसे इसके नीचे इस तरह डालेंगे, इस तरह से डालेंगे। इस बार एरो का निशान इस तरफ करेंगे। इसमें भी फेविकॉल लगा लेंगे इस तरह से। इसमें भी हमने फेविकॉल लगा लिया। अब इस डोरी को इसके ऊपर चिपका लेंगे, इसे इस तरह चिपका लेंगे इस तरह। इसे अच्छी तरह से दबा लेंगे ताकि आपस में दोनों चिपक जाए इस तरह से। अब हम बाकी के हिस्से भी इसी तरह कर लेंगे, इसमें सारे इसी तरह जोड़ लेंगे। ये चारों हमने जो 12 पीसेस काटे थे हमने डबल डबल ही फिक्स इस तरह से फिक्स कर लिया है। अब ये 6 हो गए हैं, देखिए 6 इस तरह से हमने चिपका लिए। अब हम थोड़ा सा फेविकॉल लेंगे और इसमें थोड़ा सा पानी मिलाएंगे। थोड़ा सा हमने फेविकॉल लिया है और इसमें थोड़ा पानी मिला दिया। अब हम इसमें थोड़ा सा वाइट सीमेंट डालेंगे। अगर आपके पास वाइट सीमेंट ना हो तो आप POP भी डाल सकते हैं। इसके घोल में इसे घोल लेंगे। थोड़ा सा पानी और मिलाना पड़ेगा इसमें थोड़ा सा। देखिए जो हमने पेस्ट बनाया था इससे हमने सब में इस तरह से ब्रश से पूरा इस तरह पेंट कर लिया है। ये इससे इसमें मजबूती आ जाएगी कार्डबोर्ड में और आपको लिखने में भी बड़ी आसानी होगी। इस तरह से जो 6 पीसेस हैं इनमें सब में हमने इस तरह कर लिया है। अब हम इसे थोड़ी देर सूखने के लिए छोड़ देंगे। देखिए अब सूख चुका है। अब हम इसमें फैब्रिक कलर कर लेंगे। देखिए मैं ग्रीन कलर ले रही हूँ। इसी तरह हम ये कलर दोबारा से यहाँ पे रिपीट कर देंगे। देखिए हमने सारे कलर कर दिए इसमें। अब हम हल्की हल्की इसमें ब्लैक कलर की शेडिंग दे देंगे। ये मैंने स्पंज ले लिया, एक छोटा स्पंज का टुकड़ा। इस तरह हम सब में स्पंज हल्का सा स्पंज ये स्पंज का छोटा सा टुकड़ा लेके सब में इस तरह शेडिंग कर देंगे। देखिए हमने सब ने शेड कर दिया इसमें। अब हम इसमें अपनी मर्जी से कुछ भी लिख सकते हैं, कुछ अच्छे अच्छे थॉट्स लिख सकते हैं इसमें। देखिए अब हमारा पेंट भी सूख चुका है। अब हम इसमें ये मेरे पास दो बेल पड़ी है, मैं हम इन नीचे वाली डोरियों में दो बेल बांध देंगे। इसी तरह इसमें भी ऐसे कर लेंगे। देखिए हमने दोनों बेल से बांध दी है। अब हम इसमें कुछ अच्छी अच्छी बातें लिख सकते हैं, अपने विचार लिख सकते हैं, अच्छे अच्छे विचार इसमें। Thank you.
रेडी हो चुका है और एक मैंने इसी तरह एक ये भी बनाया है। आप इसे डिफरेंट डिफरेंट तरीके से बनाकर हैंग कर सकते हैं।